हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 14 में एक्सरसाइज 2.7 ऑफ चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 0.4 डिवीजन 2। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेसिमल वाला डिवीजन करवाना है। अब देखिए, आपको मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में डिवीजन फ्रैक्शंस का डिवीजन किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको दिखाया था, बस उसी तरह से आपको इसको ही करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पॉइंट वाला डेसिमल वाला जो भी नंबर है उस पॉइंट को वहां से इग्नोर करके मतलब निकाल के उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम डिवीजन के सिंबल को इनटू के सिंबल में यानी कि मल्टीप्लाई के सिंबल में लिखेंगे और उसके पीछे राइट साइड में जो नंबर हमें दिए हैं उस नंबर का हम रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब हम उसका रिवर्स लिखेंगे। उसके बाद हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 0.4 मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर कौन सा है, 0.4। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद, तो क्या आएगा, पहले जो नंबर दिया उसके नीचे 10 है ना, हमें ऊपर क्या आएंगे, सेम टू सेम नंबर लिखेंगे 4। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा। फिर डिवीजन 2। अब सेकंड स्टेप क्या था मेरा, सेकंड स्टेप ये है कि आपको फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लाई का सिंबल करना है और उसके राइट साइड में उसके पीछे जो भी नंबर खड़ा है उसको रेसिप्रोकल करना है। मतलब यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे कोई नहीं है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1, इसका रिवर्स क्या होगा, 1/2। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन मल्टीपल्स। अब ये फ्रैक्शंस मल्टीपल में कन्वर्ट हो गया, तो चलिए कीजिए, क्या करेंगे हम, या तो आपको डायरेक्ट कैंसिलेशन करना है या तो फिर आप एलसीएम निकाल के नंबर को स्प्लिट करके कैंसिल कर दीजिए। तो अगर 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2, 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 × 2, 1 × 1, 2 × 2, 2, 2, 2 और 2 है ना, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स को मैंने कट कर दिया है। तो क्या बचा है, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 5, दिस इज योर आंसर। अब देखिए आपका क्वेश्चन डेसिमल में है तो आपको आंसर भी डेसिमल में ही देना है, ओके, आपको आंसर भी डेसिमल में देना है। या तो 1/5 लिख के इसे हम कैसे करेंगे डेसिमल में चेंज करने के लिए, आपको इसे डिवीजन कर दीजिए, क्या मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 1 को हम 5 से डिवीजन करेंगे है ना, तो क्या आएगा, 5 × 0 = 0, 1 पॉइंट लगाएंगे तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना ऐड, तो क्या होगा, 5 × 2 = 10, रिमाइंडर 0, इसका आंसर 0.2, आंसर क्या है, 0.2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्या है, 5 × 5। फर्स्ट स्टेप क्या है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, 0, 3, 5 यानी कि 3, 5 ये है, इसलिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1, 2, 1 है ना, फिर डिवीजन 5, 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 35/100 इंटू रिवर्स करना है ना, 1/5, ओके। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे हमने क्या किया था, सारे नंबर को स्प्लिट करके कैंसिल किया तो हमें 1/5 आ गया। अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे जो आपको 10, 100 उस नंबर को स्प्लिट मत कीजिए, अगर स्प्लिट नहीं करोगे और बाकी के नंबर को आप कैंसिल करेंगे तो आपका जो डेसिमल वाला नंबर है ना इसे डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे 100 है तो मैं इस 100 को कुछ नहीं करूंगी, पहले ये 35 को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 5 = 35, 100 का मैं 100 ही लिखूंगी, इसे मैं स्प्लिट नहीं कर रही हूँ, × 1/5, 5 का स्प्लिट नहीं होता है तो 5, 5 कैंसिल कर दीजिए, न्यूमरेटर में क्या बचा, 7, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 100 इसे हम डायरेक्ट पॉइंट में लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर में जो नंबर है वो सेम टू सेम लिख दीजिए, कितने 0 है, 2, 0, तो कितने नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है, 2 नंबर के बाद, 1, दूसरा नंबर नहीं है इसलिए मुझे 0 लगाना पड़ा, हो गया, आपको ये डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी अगर आपको जो इजी लगे वो आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है हमारा? 2.48 डिवीजन 4। सबसे पहला स्टेप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सेम टू सेम नंबर लिख लीजिए, पॉइंट को हटा के 2.48 अपॉन कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1, 2, तो 1, 2 डिवीजन 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। सो 248 अपॉन 100। सेकेंड स्टेप क्या है, डिवीजन का सिंबल मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल। आप लोग रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना, क्योंकि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स यही होती है कि हम डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं लेकिन ये रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 100 को हमें कुछ नहीं करना है, हम इसे 248 को एलसीएम निकाल के स्प्लिट कर देते हैं। ओके, सो 2, 2 1 सा 2 2 सा 2 4 सा फिर से 2 2 6 सा 2 2 सा 2 3 सा 2 1 सा। अब 31 प्राइम नंबर है, 31 × 1 सा है ना, 31 1 सा। ओके, अब क्या आएगा आपको, 2 × 2 × 2 × 31 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 2 × 2, 4 का स्प्लिट किया तो 2 2 कैंसिल कर दिया, हो गया कैंसिल। अब हमारा न्यूमरेटर में क्या बचा, 31 × 2, डिनोमिनेटर में 100, 31 2 जा हो जाएगा 62 अपॉन 100। तो 62 कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 2 नंबर, 1, 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये आपका थर्ड आंसर। आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 65.4 डिवीजन 6, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हैज यूजुअल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, यानी कि डेसिमल के बिना आप पूरा नंबर लिख लेना है। फिर उसके नीचे क्या आएगा, कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर, फ्रॉम बैक साइड यू हैव टू काउंट, तो 10 डिवीजन 6 अपॉन 1। ओके, अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, डिवीजन के सिंबल को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में, और इसका रिवर्स 1/6। 654 का एलसीएम निकाल के, हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो 654 का एलसीएम निकाल के स्प्लिट कीजिए, क्या आ रहा है आपको, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचेगा यानी कि 14, 2 7 जा 14। अब 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे डिनोमिनेटर में 7 है ना लास्ट नंबर में, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 3 1 जा 3, 3 0 जा 2, पूरा हो गया 27, तो 27 का 3 9 जा 27। नेक्स्ट 3 3 1 जा 3, 3 से जाएगा ये, 3 3 जा 9, 19 होगा, तो नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा हम लेंगे, तो यहाँ पे ये जो 109 है वो किसी टेबल से जाने के चांसेस नहीं, तो 109 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे लिख देते हैं हम, 2 × 3 × 109 अपॉन 10 इंटू 1, 6 का स्प्लिट करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, क्या बचा न्यूमरेटर में, 109 अपॉन 10। तो हम पहले 109 लिख देते हैं, कितने जीरो हैं आपके पास, 10, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लिखेंगे, 1 पॉइंट, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 651.2 डिवीजन 4। ओके, 651.2 डिवीजन 4, तो 6 5 1 2 सेम लिखते के, पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर, यहाँ पे 10 आएगा, डिवीजन 4, 6 5 1 2 10 इंटू 1/4, 6 5 1 2 को स्प्लिट कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 1 बचेगा, तो 2 6 जा 12, फिर 2 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 रिमेंस, 2 8 जा 16, अगेन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा, अगेन वी टेक 2 2 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 7 जा, अगेन विच नंबर वी गेट हियर, अब कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे आपको, 7
हम यही ले लेते हैं, ठीक है, 407 इंटू वन, ओके ना, क्योंकि नीचे तक 4 है तो हमें 2 नंबर्स ही कैंसिल होने वाले हैं, बाकी के नंबर्स तो आपको आएंगे, इसलिए मैंने वही का वही ले लिया है। 2 × 2 × 2 × 2 × 407 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 4 का क्या होगा, 2 × 2 है ना, सो 1 2 1 2 कैंसिल। अब क्या बचा ऊपर, 2 × 2 × 4 = 7 अपॉन 10। देखिए 2 बार 2 को हटा दिया तो आपका नंबर क्या आएगा, 1628 है ना, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर आएगा 1628 अपॉन 10। तो 1628 कितने नंबर के बाद पॉइंट, 1 नंबर के बाद पॉइंट, दिस इज योर आंसर नंबर 5। ओके, नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 14.49 डिवीजन 7। सो 14.49 अपॉन 100, 100 क्यों लिखा, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट है, डिवीजन 7। 14.49 अपॉन 100, डिवीजन का सिंबल हटाएंगे तो इनटू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 7, उल्टा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 14.49 को 7 से डिवीजन कर लीजिए, या तो 14.49 को स्प्लिट कर देते हैं। तो पहले मैं 14.49 को 7 से ही स्प्लिट कर देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 7 2s are 14, 0s are 7, 7s are 49, 7 0 1s are, ओके, 7 × 2 = 7 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 7, 7 7 कैंसल, 207 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 2.07, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3.96 डिवीजन 4, और क्वेश्चन नंबर 8 0.80 डिवीजन 5, ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है, इट इज योर होमवर्क। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.7। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की भी हेडिंग है फाइंड, इसकी हेडिंग क्या है फाइंड, आपको इसमें भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 4.8 डिवीजन 10, 4.8 डिवीजन 10, यानी कि आपको यहाँ पे पीछे टेंस हंड्रेड्स ऐसे नंबर से डिवीजन करना है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम रूल जो अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है, डिवीजन वाले डेसिमल वाले नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो 48 कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद पॉइंट, तो 1 डिवीजन, 10 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम लिख सकते हैं 1। अब डिवीजन के नंबर को चेंज फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो इनटू इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे तो 1/10। अब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 0 0 है, तो कैंसिल करके करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट डेसिमल में आ सकता है, इसलिए ठीक है। 48 1s are 48, 100 10 10s are 100, कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस, यानी कि आपको कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 2 नंबर के बाद, आपके पास क्या है 48, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 1 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, दिस इज योर आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर टू क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है 52.5 डिवीजन 10। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर को हम डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो नीचे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1, तो 10 आएगा, डिवीजन 10/1, तो 525 डिवीजन 10, डेसिमल को डिवीजन को चेंज करेंगे तो इनटू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10, उल्टा हो गया, तो 525 इंटू 1 इज इक्वल टू 525 अपॉन 10 10s are 100। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 नंबर के बाद, तो 525 कितने नंबर के बाद, 2 नंबर, तो पीछे से काउंट कीजिए 1 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा, 2 के आगे। ओके ना, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है 0.7 इंटू 10। ओके, तो
सेवन अपॉन टेन यहाँ पे डिवीजन है, 0.7 डिवीजन 10, तो 0.7 डिवीजन 10 अपॉन 1, इसका हम करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 1 अपॉन 10, 7 अपॉन 100, 7 वन 7, 10 10 जा 100, कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है आपको, 2 नंबर, आपके पास कितने नंबर हैं, 1 नंबर, यानी आपको ये 1 नंबर और जरूरत पड़ेगी, तो आपने 0 लगा लिया, 0.0, ओके, दिस इज योर आंसर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 33.1 डिवीजन 10. तो एज यूजुअल पॉइंट को हटा के डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए यहाँ पे 10, डिवीजन 10 अपॉन 1, 331 अपॉन 10, डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 301 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू कितने नंबर के बाद पॉइंट आपको लगाना है, 1 नंबर के बाद, ये आपका आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, 272.23 डिवीजन 10. तो पॉइंट को हटाएंगे और उसे हम फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम बिना पॉइंट के नंबर लिख दिए, कितने नंबर के बाद पॉइंट था, 1, 2, यहाँ पे आया 100, डिवीजन 10. सो 27223 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 10, इसका रेसिप्रोकल कर दिया है ना, तो 27223 अपॉन 10, हाँ 1000 सा 1000, 30 तो लाएंगे, तो अब कितने नंबर के बाद पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, सेम लिख दीजिए नंबर पहले न्यूमरेटर में जो नंबर है, अब आपको कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 3 नंबर, तो देखिए 1, 2, 3, कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 3 नंबर, 2 के आगे, दिस इज योर आंसर नंबर 5. अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.56 डिवीजन 10 और 7 है, 7 नंबर क्या है, 3.97 इन डिवीजन, ये भी डिवीजन है, डिवीजन 10, दिस इज योर होमवर्क, ओके. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग है फाइंड, यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है, ओके. क्या है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 2.7 डिवीजन 100, 2.7 डिवीजन 100, अब इसे भी फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 27 अपॉन कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर, तो 10, डिवीजन 100, डिनोमिनेटर कोई नंबर नहीं है तो 1, 27 अपॉन 10 डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ओके, 27 इंटू 1 27 और यहाँ पे 10 इंटू 100 1000 विच इज इक्वल टू कितने नंबर के बाद पॉइंट आपको लगाना है, 3 नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 30 है और आपके पास न्यूमरेटर में कितने नंबर है, 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 0 लेना पड़ेगा, 0.0, दिस इज योर आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.3 डिवीजन 100, 0.3 डिवीजन 100, हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 3 अपॉन 10 डिवीजन 100 अपॉन 1, 3 अपॉन 10 डिवीजन का हो जाएगा मल्टीपल और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1 अपॉन 100, 3 वन जा 3, 10 इंटू 100 जा 1000 विच इज इक्वल टू कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 नंबर, तो क्या आएगा, 3, 1, 1, 2, अब हो गए 3 नंबर्स, तो हमें यहाँ पे 2 जीरोस की जरूरत पड़ी इसलिए मैंने यहाँ पे 2 जीरोस ऐड किया है, ओके. आपको नंबर के बाद जितने पॉइंट लगाना, अगर वहां पे सफिशिएंट नंबर्स नहीं है तो 0 आपको नंबर के आगे लगाना है, पीछे नहीं लगाना है, ओके ना. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.78 डिवीजन 100, तो फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 78 अपॉन 100 डिवीजन 100, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, 78 अपॉन 100 डिवीजन का हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 100, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया, तो 78 वन जा 78, 100 100 सा, अगर आपको नहीं आता है तो देखिए 1 लगाइए, कितने जीरोस हैं उतने जीरोस काउंट करके लिख दीजिए, ओके,
तो 78 कितने जीरोस हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो आपको कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 4 नंबर, तो आपके पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, देखिए मैंने आगे जीरोस लगाए हैं मेरे जरूरत के हिसाब से, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 432.6 डिवीजन 100, हम फिर से इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4326, पॉइंट को हटा के आपको लिखना है कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर, तो 10 अपॉन 100 अपॉन 1, है ना, तो 4326 अपॉन 10 डिवीजन हो जाएगा मल्टीपल और इसका हो जाएगा रिवर्स, ओके। तो 4326 अपॉन हाउ मच वी गेट 10 × 100, 1000, है ना, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे आप लोग, 3 जीरोस है तो 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट, दिस इज योर आंसर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 23.6 डिवीजन 100 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन 3, 98.53 डिवीजन 100, दिस बोथ आर योर होमवर्क। आपको मेथड तो समझ में आ गया होगा, अब आपको ये दो प्रॉब्लम अपने आप से सॉल्व करने हैं, ओके। आज मैं आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 तक, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ओके ना, टेक केयर एवरीवन।